एसीबी की टीम ने गुरुवार देर शाम खेरली थाने के एक कांस्टेबल को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कार्यवाही के दौरान कांस्टेबल ने दो बार भागने का प्रयास किया, लेकिन एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया। टीम ने जीप से 4.5 किलोमीटर तक आरोपी का पीछा किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की अलवर इकाई को परिवादी ने शिकायत देकर बताया कि उसके द्वारा पुलिस थाना खेरली में दर्ज करवाए गए परिवाद में मदद की एवज में थाने के कांस्टेबल देशराज गुर्जर द्वारा 8,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है, जिस पर एसीबी अलवर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन प्रमाणित किए जाने पर पुलिस निरीक्षक प्रेमचंद मीणा व उनकी टीम ने कस्बे में गोरो पैलेस के पास ट्रैप की कार्यवाही करते हुए थाने के कांस्टेबल देशराज गुर्जर पुत्र मूलचंद गुर्जर निवासी गावड़ी तहसील सिकराय पुलिस थाना मानपुर दोसा को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देशन में आरोपी के निवास व अन्य ठिकानों की तलाशी ली गई। एसीबी की ओर से मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। खेरली थाने में घोसराना गांव में नाली विवाद को लेकर मामला दर्ज है। इस मामले में एक तरफा कार्यवाही करने की एवज में थाने के कांस्टेबल ने 8,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें 7,000 रुपए लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नाली और रस्ते का विवाद चल रहा है पड़ोसी से, उसके बदले मैंने वो परिवाद दिया है थाने में। उस परिवाद में कार्रवाई करने के बदले जो थाने में कार्यरत कॉन्स्टेबल है देशराज 443, उसने 8,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें से 7,000 रुपए लेते हुए उसे रंगे हाथों ट्रैप किया। सर कहाँ का मामला? ये खेरली थाने का।